हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो क्लास 9th, यहाँ पे देखिए हमने लिया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें है सो दैट इफ डायगोनल आपके क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसकी कुछ कंडीशन दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लिया एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ए सी इज इन डायगोनल। ए सी हमारा क्या है, ए सी एंड बी डी, बी को डी सी बना दें, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। ठीक है, ये हमारा डायगोनल। ठीक, और ये बोल रहा है कि क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर है, और ये मान लिया बाइसेक्ट कर रहा है इसमें ओपन कर रहा है। ठीक, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब क्या है, यहाँ पे इसके बीच में एंगल देखा 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, देन हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी बी रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ये दिखाना है। तो रोम्बस के बारे में जानते हैं कि रोम्बस हमारा क्या एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। इनसे हमें ये दिखाना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ए लिखा दें और उसके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, उसकी जो डायगोनल प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट वाला कंडीशन दिया है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहे, 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं दोनों के बीच में। तो ए बी हमारे पास दिया है, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है कि अगर ये सभी साइड आपस में बराबर हम दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको देख लेते हैं प्रूफ वाले सेक्शन में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये दिखाना है कि क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नौ ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी हमने इस ट्रेंगल को लिया और इस ट्रेंगल को ले लिया। ओके, नौ ट्रेंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी वी है हमारे पास। क्या मिल रहा है, देखो एओ बी की बात कर रहा है और डी ओ सी की बात कर रहा है। ठीक, चूंकि यहाँ पे हमारे पास दिया है कि डायगोनल जो ए सी और बी डी है उसे को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका जो ए ओ होगा ये सी ओ को डेफिनेटली बराबर होगा, चूंकि ए सी दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ए ओ बराबर क्या है, सी ओ के। एंड यहाँ से देखें बी ओ बराबर क्या है आपका, डी ओ। ठीक, वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डी ओ। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि गिवन है, क्यों ऐसा, क्योंकि डायगोनल ए सी एंड बी टी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, पहले से गिवन कंडीशन हमें क्या मिल गया, ए ओ मिल गया सी ओ के बराबर, बी ओ आपका डी ओ के बराबर है, और ए एंगल, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक, ये जो कि 90 डिग्री भी है और आपका भी सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, ये भी गिवन है। इस तरीके से हमने देखा गया साइड एंगल, साइड यहाँ पे हो गया एस ए एस रूल से, बाई एस ए एस रूल ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल डी ओ सी। ओके, अब ए ट्रेंगल ए ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट जब हो गया तो क्या कर सकते, बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ, डी सी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज मिलेगी, ए बी जो है डी सी के बराबर है।
अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की, बात कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा, ए ओ डी, अगेन इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। हम उसको यहां पे ले लेते हैं ऊपर, अगेन इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल इधर का ट्रायंगल और सी ओ बी, सी ओ बी वी है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ए ओ डी हमें चाहिए और सी ओ बी इन दोनों ट्रायंगल में हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या क्या गिवन कंडीशन है, क्योंकि ए देखो ए ओ बराबर किसके, सी ओ के है, ए ओ बराबर जो है सी ओ ए बी गिवन है अभी भी हमने देखा, और ये देखो बीओ बराबर क्या है हमारा, बीओ बराबर क्या है डीओ के, ए बी हमने गिवन देख लिया, और ए एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल डी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ओके। तो यहां भी हो गया बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्गेंट ट्रायंगल क्या हो गया, सी ओ डी, ये हो गया। तो आप कह सकते हो कि ए साइड की साइड के बराबर होगा, इसका मतलब हमने देख लिया ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है एक प्रकार का पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे बना, जो कि अपोजिट साइड को हमने बराबर दिखा दिया, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड की आपत्ति बराबर होती है तो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी सी डी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि ए बी और बी सी अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम कर सकते हैं ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम ए ओ बी ये ट्रायंगल ले लें और बी ओ सी ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, इसको देखते हैं। नाउ ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है, ए ओ बी और सी ओ बी हम लेते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, दिस इम्प्लाइज बाई सी पी सी टी कह सकते हो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बी सी, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी वी, हमारे पास क्या मिल रहा है, ए साइड इस साइड के बराबर है, ओके, ए साइड दोनों में कॉमन है और ए एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ईच एंगल क्या है 90 डिग्री और गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे मिल गया ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, चूंकि मिड पॉइंट हुआ, दोनों डायगोनल क्या है बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ए ओ बराबर सी ओ। नाउ बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये आपका कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी ओ बी कितना है ईच 90 डिग्री है, देन साइड एंगल सेट, देन बाय एस ए एस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो गया, सी ओ बी, सी ओ बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर सी बी, दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर सी बी, क्यों बाई सी बी सी टी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड बराबर है, इन एनी पैरेललोग्राम इफ द एडजेसेंट साइड आर इक्वल देन ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि रोम्बस क्यों है कि नहीं है, रोमस इसलिए है क्योंकि ऑल साइड जब ए बी बी सी के बराबर हो गया और ए बी किसके बराबर, डी सी के बराबर, डेफिनेटली बी सी आपका डी सी के बराबर होगा और बी सी आपका जब ए डी के बराबर है तो इस तरीके से ऑल साइड इक्वल होगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, सभी साइड्स के बराबर होगी। और रोमस की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि रोमस इज ए पैरेललोग्राम in which all sides are equal and diagonal bisect perpendicularly, ठीक है।
उसके डायगोनल ऑलरेडी जो है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो गिवन है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही करना था कि ऑल साइड्स को इक्वल दिखा देना था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार दो बार आप इसको देखिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा।